मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। कल तुमने बात अधूरी छोड़ दी थी, कहीं मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया ना? मले, मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए वापस आई हूँ। और एक पत्नी अपना प्यार जताने के लिए और क्या कहे? मुझे आपसे प्यार ना करना आता ही नहीं। लेकिन मले, हमें अप्पू को नहीं भूलना चाहिए। कल जो हुआ। गुड मॉर्निंग। पढ़ो दीदी, आपके लिए चाय, मीठी, बिल्कुल आपकी तरह। और हमारे उनके लिए ब्लैक कॉफी। तुम्हें किसने कहा चाय लाने की जहमत करो? अरे, अब काम तो बांटना ही पड़ेगा ना, जब पति ही बांट रहे हैं। मैं दे दूंगी। थैंक्स अप्पू, मैं ले लूंगा। ये मैंने क्या कर दिया? हर रिश्ते को ताक पर रख दिया बिना कुछ सोचे समझे। पर वरदान, मैंने ही इसे बिगाड़ा है और मैं ही इसे संभालूंगा। और हां, मैं तुम्हारा पति हूं और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। बस ये बात याद रखना। मले, मुझे जो भी कहना है वो मैं एक लेटर में लिख देता हूं और वो लेटर आज रात तक तुम्हें इस ड्रॉअर में मिल जाएगा। वरदान, मैंने ठीक किया। वरदान, मैं हमारी शादी को एक कामयाब रिश्ता बनाना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहकर। और वरदान के इस पति पत्नी के रिश्ते को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। वरना मैं हमेशा के लिए मले को खो दूंगी। मले।
तुम मेरे अनोखे प्रेम से छुटकारा पाना चाहते हो ना? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, चाहे वो वरदान कुछ भी कर। जितना सोचा था से खड़ी चालाक निकली ये बिस्कट नेना। उसे हराने के लिए थारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अपनी पीठ। अपने पति ने अपना बनाना, वो भी आज रात को ही। आज रात मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इस कन्या के मुंह से कोई भी मर्द खड़े दिन तक दूर ना रह सके, और एक ना एक दिन थारा मर्द भी फिर से एक बार उसके मोह जाल में फंस के थारे को छोड़ दे। करपो, आज थारा ना हो सके को ना, तो फिर कभी भी ना हो सके को, कभी भी ना। अपने पति को आज अपना बना लेने की तो कोई भी बिस्कन्या थारा कुछ ना बिगाड़ सकेगी। वरदान कहाँ थी तुम? तो तुम उस बोरी से बच निकली वरदान, पर अफसोस तुमने आते आते बहुत देर कर दी। मैं आपको सब बता दूं। मले, मैं तुम दोनों को गुड बाय कहने आई। लेकिन अपू, तुम इतनी रात को क्यों जा रही? अब जाना ही है तो कभी भी जा, क्या फर्क पड़ता है। अब मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया। सॉरी वरदान, मैं शायद आज तुम दोनों से आखिरी बार मिल रही हूँ, तो तुम अपनी बात बाद में कह देना।